गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू हम टॉपिक पढ़ रहे थे द गंबाई कैट, इसका हमने आज सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट जो है वो अपने मन में एक पॉइंट बनाता है कि वो एक बिल्ली रखेगा, एक गंबाई कैट उसका नाम जो रखता है जीनानी डॉट्स, तो वो उसके बारे में मतलब बात करता है कि उसकी बॉडी के जो हेयर है वो किस तरह से है, टाइगर स्ट्रिप्स और लेपर्ड स्पॉट्स से है। वो बैठी रहती है जिससे कि वो एक गंबाई बिल्ली बन गई। अब वो गंबाई बिल्ली के बारे में कहता है कि जब दिन ख़त्म हो जाता है तो गंबाई वर्क का कैट का काम होता है कि जब मतलब पूरी फैमिली जो है वो बिस्तर पर सोई होती है तो वो क्या करती है, चुपचाप से बेसमेंट के नीचे चली जाकर रेंगती हुई चली जाती है। और वो कहती है कि जो चूहे हैं, माइस हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है क्योंकि वो जो है वो उससे बहुत तंग करते हैं, तो वो उन्हें लाइन में लगाकर उन्हें अच्छा बिहेवियर सिखाती है। तो आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए गंबाई कैट इन माइंड, हर नेम इज जेनानी डॉट्स, हर इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, शी लाइक्स द वार्म एंड सनी स्टॉप। मेरे मन में पॉइंट कहता है कि माइंड मैंने बना लिया है कि मैं एक गंबाई बिल्ली रखूँगा, उसका नाम जेनानी डॉट है और उसे पसंद है गर्मी, से पसंद है सुहावनी, मतलब कि सुहावना मौसम और धूप वाली जगह उसे जो है वो बहुत पसंद है। शी सिट एंड सिट एंड सिट बट दैट वर्ड्स मेक अ गंबाई कैट। और वह बैठी रहती है वहीं पर जहाँ पर मतलब कि पूरा दिन वो बैठी रहती है, कभी मतलब चारपाई के ऊपर बैठती है, कभी वो मतलब टोप के ऊपर बैठी रहती है, तो इसी तरह वह सारा दिन बैठी रहती है और बैठी ही रहती है। सीट लिखा ना शी सीट्स एंड सीट्स एंड सीट्स, मतलब वो बैठी रहती है और जिससे कि वो क्या बन गई है, गंबाई बिल्ली। बट व्हेन द डे हस्टल एंड बस्टल इज डन देन द गंबाई कैट वर्क इज आउट हार्डली बिगन एज शी फाउंड दैट द माइस विल नॉट एवर कीप क्वाइट, शी इज श्योर इट इज ड्यू टू इरेगुलर डाइट। अब गंबाई कैट कहती है, मतलब वो बोलती है, कहती है, मतलब उसके बारे में बताया गया है कि पॉइंट कहता है ना, गंबाई कैट तो नहीं बोलती है, मतलब कि फील करवाया गया हुआ कि वो क्या करती होगी जब दिन ख़त्म हो जाता है, दिन की चहल पहल ख़त्म हो जाती है, तो गंबाई कैट का काम होता है कि मतलब कि सारा दिन तो चलते फिरते रहते हैं, किंतु जब दिन मतलब ख़त्म हो जाता है तब गंबाई बिल्ली जो है वो देखती है कि चूहे जो होते हैं, माइस होते हैं, वो कभी भी मतलब चुपचाप से नहीं बैठते हैं क्योंकि पूरा दिन जो चूहे हैं वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और वो कहती है कि इरेगुलर डाइट, मतलब कि बेकायदा खुराक की वजह से वो जो है चूहे उसको जो है वो तंग करते हैं। एंड बिलीविंग दैट नथिंग इज डन विदाउट ट्राइंग शी सेट ट्राई टू वर्क विद हर बेकिंग एंड फ्राइंग, शी मेक देम अ माउस केक, अ ब्रेड एंड ड्राई पीस एंड अ ब्यूटिफुल फ्राई ऑफ ली बेकॉन एंड चीज। अब गंबाई कैट कहती है कि वो कहती मतलब वो करती है कि उस विश्वास करते हुए कहती है कि और बिना कोई मतलब कोई काम किए हुए, मतलब ना ही कोई मतलब जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिस किए हुए, वो क्या करती है, वो उसी समय जुट जाती है उन चूहों के लिए पकाने और भूनने के काम में। तो वो क्या करती है, उनको केक देती है, ब्रेड देती है सूखे मटरों से, और जो मीट होता है मतलब कि मीट होता है जिसे कहते हैं मांस, और पीस मतलब कि पनीर का एक मतलब बहुत ही प्यारा सा उसे वो एक देती है, पकोड़ा देती है और वो चूहों को दे देती है।